बहुत समय पहले बोधिसत्ता नाम के राज्य में एक गांव था जहां 500 बढ़ई रहते थे। ये बढ़ई लकड़ी काटने के लिए गांव के पास वाले जंगल में जाते और अपने घर के लिए सामान बनाते, जैसे कि फर्नीचर और घर के लिए खिड़कियां दरवाजे। एक दिन वो जंगल में काम कर रहे थे, तब उन्होंने किसी की चीख सुनी। ये इतनी दर्दनाक चीख किसकी है? ये आवाज उस तरफ से आ रही है। सभी बढ़ई उसी दिशा में भाग पड़ी। पेड़ के पीछे से उन्होंने एक विशाल हाथी को आते देखा, पर वो हाथी रो रहा था। ध्यान से देखने पर उन्हें दिखा कि वो लंगड़ा रहा था। घबराते हुए वो उसके पास गए। हाथी ने अपना पांव उठाकर उन्हें दिखाया और सारे बढ़ईयों ने देखा कि उसका पांव सूजा हुआ था। तुम्हारे पैर में तो कांटा चुभ गया है, तुम्हें बहुत दर्द हो रहा होगा ना? हमें ये कांटा निकालना होगा। उन्होंने उसके पांव से वो कांटा निकाला, गर्म पानी से उसका जख्म साफ किया और उस पर पट्टी बांध दी ताकि वो ठीक हो जाए। कुछ दिनों में हाथी का जख्म पूरी तरह से ठीक हो गया और हाथी उनका एहसानमंद था। इन भले इंसानों ने मेरी जान बचाई है, इनका एहसान चुकाने के लिए मुझे भी इनकी मदद करनी चाहिए, पर मैं इनके लिए क्या कर सकता हूँ? ओह हाँ, हाथी ने देखा कि दो बढ़ई बड़े पेड़ का तना अपनी हाथ गाड़ी में रखने की कोशिश कर रहे हैं। वो उनकी मदद करने पहुँचा। हे, शुक्रिया दोस्त। उस दिन से हाथी ने बढ़ईयों की मदद करना शुरू कर दिया। वो लकड़ियों के टुकड़े उठाता, उनके औजार उन्हें पकड़ाता और हाथ गाड़ी एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाता। हाथी की मदद से उनका काम बहुत आसान हो गया था और बदले में वो हाथी को अच्छे से खाना खिलाते। वो सब अपने घर से फल लाते और हर रोज हाथी के पास बहुत सारा खाना इकट्ठा हो जाता। जल्दी ही हाथी को एक बच्चा हुआ। वो इंसानों की लकड़ी ढोने में मदद करता तो बेटा उनकी पौधे उगाने में। शुक्रिया नन्हे दोस्त, पेड़ उगाना पेड़ गिराने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम ना सिर्फ जंगल की सारी लकड़ी खत्म कर देंगे, बल्कि उसके साथ साथ हम दुनिया के पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाएंगे। मेरा काम अब खत्म हुआ, तो तुम भी जाकर खेलो या थोड़ा आराम कर लो। जाओ दोस्त, तुम्हारा बेटा बहुत प्यारा है, हमारे बच्चे उससे बहुत प्यार करते हैं। तुम दोनों हमारी जिंदगी में खुशियाँ लेकर आए हो। वक्त गुजरता गया और हाथी बूढ़ा हो रहा था। पापा, आज पांचवा दिन हो गया मुझे आपको इस तरह दर्द से कराहते हुए देखते हुए। आप क्यों इतना सामान उठा रहे हैं जब आपकी पीठ में इतना दर्द हो रहा है? क्योंकि वो इंसान मेरे दोस्त हैं। बहुत पहले उन्होंने मेरी जान बचाई थी और इतने सालों में तुमने देखा ना बेटा कि वो कैसे इतने प्यार से हमारा ख्याल रख रहे हैं। मुझे उनकी मदद करनी होगी बेटा, ये मेरा फर्ज है। पापा, तो अब से सारे काम मैं करूँगा। मैं भी उनसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं उनके लिए आपको खुद को तकलीफ नहीं पहुँचाने दूंगा। मैंने फैसला कर लिया है कि अब से आपकी जगह पर मैं इंसानों की मदद करूँगा। पर बेटा, मैं यंग हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, अब से मैं आपके सारे काम कर दूंगा, आप मुझे नहीं रोकेंगे। और उस दिन से हाथी के बेटे ने इंसानों की काम में मदद करनी शुरू कर दी। एक दिन उस राज्य के राजा ब्रह्मदत्त जंगल से गुजर रहे थे। रास्ते में उन्होंने हाथी के बच्चे को बढ़ईयों के साथ काम करते हुए देखा। वो एक टीम की तरह काम कर रहे थे और राजा को हाथी उसी वक्त पसंद आ गया। वो बढ़ईयों के पास गया। हेलो, कैसे हो सब? महाराज, आप यहाँ पर हमारे लिए सौभाग्य की बात है, आइए आइए। उन्होंने राजा को एक बड़े से पत्थर पर बिठा दिया और उन्होंने हाथी को नदी से पानी लाने के लिए कहा। जैसे ही इंसान राजा के सामने उनके सम्मान में सर झुकाए खड़े थे, वैसे ही हाथी ने भी अपनी सूंड उठाकर सम्मान किया। राजा हाथी के पास गया और प्यार से उसे छुआ।
हाथी ने भी प्यार से राजा की पीठ थपथपाई। कितना प्यारा और समझदार हाथी है ये। ये तुम्हारा दोस्त है। ये और इसके पापा हमारे लिए परिवार जैसे हैं। ये कई सालों से हमारी मदद कर रहे हैं। ऐसा वफादार और ताकतवर हाथी मेरी सेना में आ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। महाराज, अगर हमारा दोस्त राज्य के काम आ सके तो ये जरूर आएगा। पर ये तो तुम्हारा दोस्त है ना, इससे अलग होकर तुम्हें दुख नहीं होगा? सच कहूँ तो हम इससे कभी अलग नहीं होना चाहेंगे महाराज। इतने सालों में हमारे दिल में इनके लिए प्यार और इज्जत बढ़ती ही जा रही है। पर अगर राज्य को इसकी जरूरत है तो हम अपनी मातृभूमि की सेवा के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। जाओ बेटा, मातृभूमि की सेवा से बढ़कर कोई चीज नहीं है। महाराज के साथ जाओ और इनके दोस्त बनकर उनकी मदद करना। जरूरत पड़ने पर उनके और उनके परिवार के काम आना। और आपका ख्याल कौन रखिएगा? हमारे इंसान दोस्त है ना मेरा ख्याल रखने के लिए। जाओ बेटा, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हम तुम्हारे बेटे का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और इस तरह से दुखी मन से सारे बढ़ाइयों और उनके हाथी दोस्त ने अपने बेटे को जाने दिया। छोटे हाथी की आंखों में भी आंसू थे जब वो अपने पिता और दोस्तों को छोड़कर जा रहा था। राजा ब्रह्मदत्त के लिए भी ये हाथी उनकी सेना का कोई जानवर नहीं था, बल्कि एक दोस्त और एक भाई की तरह था। उन्होंने खुद उसे युद्ध कला सिखाई। राजा ने हाथी के लिए बड़े बड़े जेवर बनवाए और उसके लिए अपने शाही महल के साथ ही एक शाही महल बनाया। और हमेशा ध्यान रखा जाता था कि हाथी के महल में उसकी पसंद के फलों की कोई कमी ना रहे। राजा दिन में 2 से 3 बार खुद जाकर हाथी को फल खिलाता। हाथी राजा को अब दोस्तों की तरह प्यार करने लगा था। इसी तरह 2 साल बीत गए। एक दिन राजा को बहुत दूर सफर पर जाना था, तो वो अपने दरबारियों के साथ उससे भी मिलने आए। ओ मेरे दोस्त, कैसे हो तुम? आप कहीं बाहर जा रहे हैं क्या? और मुझे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं बहुत दूर जा रहा हूँ, इसीलिए दोस्त मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। मुझे बहुत वक्त लगेगा और मैं चाहता हूँ कि तुम यहीं रहो और यहाँ रहकर मेरे राज्य और परिवार का ख्याल रखो। रखोगे ना दोस्त? अपने राज्य की रक्षा के लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं करूँगा, पर आप जल्दी आ जाइएगा महाराज। सभी दरबारी खड़े राजा की बातें सुन रहे थे। अब ये हाथी हमारी राज्य की देखभाल करेगा। प्यार और वफादारी सबसे ताकतवर चीज होते हैं मेरे दोस्त, और कोई भी इंसान किसी जानवर की वफादारी की बराबरी तो कर ही नहीं सकता। तुम देखते रहना, वक्त आने पर महाराज और उनके इस जानवर दोस्त का प्यार हमारे इस राज्य के लिए कितना कीमती साबित होगा। कई महीने गुजर गए, राजा ब्रह्मदत्त की कोई खबर नहीं आई। दरबारियों को फिक्र होने लगी कि कहीं महाराज को कुछ हो तो नहीं गया। एक दिन उन्हें खबर मिली कि राजा ब्रह्मदत्त को आखिरी बार उस जंगल के पास देखा गया था जहां से कोई भी जिंदा नहीं आता। सेनापति ने जाकर रानी को ये खबर सुनाई। रानी हर वक्त हाथी के साथ रहती थी। आप हमेशा इतने उदास क्यों रहते हैं सेनापति? महारानी साहिबा, महाराज शायद किसी मुसीबत में है। उन्हें आखिरी बार मंगलपुर के जंगलों की तरफ जाते हुए देखा गया है जहां से कभी कोई इंसान जिंदा वापस नहीं आया। ये खबर सुनकर हाथी बहुत दुखी हो गया। उसने खाना छोड़ दिया। वो ना रानी के पास जाता और ना ही राजकुमार के पास। वो बस राजा को याद करके रोता रहता। और दूसरी ओर राजा ब्रह्मदत्त के गायब होने की खबर पड़ोसी राज्य के राजा मंडाना मिश्रा के पास पहुंच चुकी थी। और मंडाना मिश्रा को मौका मिल गया बोधिसत्ता राज्य पर हमला करके उस पर राज करने का। ये तो बहुत अच्छा मौका है। राजा की गैर हाजिरी में वहाँ का राजकुमार तो अभी बच्चा है, वो क्या कर लेगा? ऐसे में हम उन्हें हरा सकते हैं। जंग की तैयारी करो। Thank you.
राजा मंडाना मिश्रा की सेना ने बोधिसत्ता को चारों तरफ से घेर लिया। महारानी साहिबा, हम पर हमला हुआ है। सेना तैयार करो, मैं नेतृत्व करूंगी। नहीं महारानी साहिबा, राजकुमार अभी 1 साल के हैं, उन्हें आपकी जरूरत है। हम अपने राज्य को बचाने के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे। राजा की गैर हाजिरी में बोधिसत्ता की सेना दुश्मन का मुकाबला नहीं कर पाई और वो जंग हारने की हालत तक पहुंच गए। सेनापति जी, अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो हम जंग हार जाएंगे। हमें जाकर महारानी को बताना होगा। सेनापति ने रानी को बताया कि मंडाना मिश्रा की सेना के सामने वो ज्यादा देर नहीं टिक पाएंगे। हमारे पास अब एक ही उम्मीद है, चलो मेरे साथ। रानी हाथी से मिलने गई, जो अभी भी कुछ नहीं खा रहा था और कमरे के कोने में चुपचाप बैठा हुआ राजा ब्रह्मदत्त की याद में आंसू बहा रहा था। ऐसे ही दुख मनाते रहोगे तो कैसे चलेगा, तुम्हें उठना होगा। तुम्हारे राजा ने तुम्हें इस राज्य की रक्षा करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। तुम्हारे सामने तुम्हारे राजा का बेटा है। फैसला कर लो कि तुम इस बात का दुख मनाना चाहते हो कि जैसे राजा मर चुके हैं, या तुम उठकर दुश्मनों का मुकाबला करोगे एक योद्धा की तरह, जैसे तुम्हारे राजा ने तुम्हें सिखाया था। मैं इस जंग में लड़ने खुद जाऊंगी। हाथी जंग के मैदान में पहुंच गया और एक योद्धा की तरह लड़ा। उसकी सूंड से निकली आवाज की गूंज ने बोधिसत्ता के सैनिकों में नया जोश और नई उम्मीद पैदा कर दी और देखते ही देखते उन्होंने मंडाना मिश्रा को हरा दिया। ये सोचने की हिम्मत भी मत करना कि राजकुमार अकेले हैं और बोधिसत्ता का कोई रक्षक नहीं है। मैंने कहा था ना, प्यार और वफादारी सबसे ताकतवर चीज होती है। आज एक अकेले हाथी ने वो कर दिखाया जो बोधिसत्ता की पूरी सेना नहीं कर पाई। तभी राज दरबार में कोई आया और उस इंसान को देखते ही हाथी उसकी तरफ भागा। आ, मेरा दोस्त, मेरा भाई, शुक्रिया। मेरे राज्य और परिवार को बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तुम एक सच्चे दोस्त हो, मेरे सच्चे भाई हो और सच्चे योद्धा। प्यार और वफादारी सच में सबसे ताकतवर होती हैं। बुरे वक्त में यही काम आती है। जब आपके दोस्त और परिवार वाले अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे हों, चाहे वो आपके दोस्त हों या पालतू जानवर, अगर हम अपने दोस्तों और परिवार को प्यार और इज्जत देते हैं तो उनसे भी हमें वही मिलता है।